हमजा अहमद सिद्दीकी। प्रेजेंट मैम। ठीक है हमजा। रोल नंबर टू हमजा सफर। हिज्जा हमीद। इफ्रा अहमद खान। गेफ्रा कौन? इन्होंने एक भी क्लासेस नहीं लिया। तोफैल अब्बासी। महमश। मीर शाहरुख। मिर्जा मोइज। मोहसिन अली। प्रेजेंट। मोमिना। अरकम। मोहम्मद अरकम अब्दुल रहमान। असदुर रजा। आतिफ सलीम। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट मैम। फैजान चावला। प्रेजेंट। ठीक है हमाद खालिद। मोहम्मद हमजा अली। प्रेजेंट। हमजा अली प्रेजेंट है। यस मैम। ये पहली क्लास आपकी? यस मैम। इससे पहले कहाँ थे आप? मुझे डांगी हुआ था मैम। मोहम्मद मोइनुद्दीन। मुबशर हनीफ। मोहम्मद मुकर्रम। यस मिस प्रेजेंट। मुकर्रम। यस मिस प्रेजेंट। ठीक है मुसब। नईम सिद्दीकी। प्रेजेंट। नईम सिद्दीकी। ठीक है प्रेजेंट। नवीद रजा। नाजर कुदरत। उसामा अहमद। प्रेजेंट। उसामा प्रेजेंट। ठीक है उसामा। सालम खान। प्रेजेंट। उमर सलीम। प्रेजेंट। जहीर कुरैशी। जयान अली। जयान। प्रेजेंट। मुसलर। उसामा अली। प्रेजेंट। ठीक है उसामा आमिर। पवन। साद अली खान। प्रेजेंट मिस। ठीक है सैफुल्ला। प्रेजेंट। ठीक है शान। शर्जील। यस। शरोज। प्रेजेंट मिस। शेब। हुसैन अब्बास। प्रेजेंट मिस। मुज़फ़्फ़र अली। प्रेजेंट मिस। मोहम्मद दानिश। तहा। तलहा अज़ीम। प्रेजेंट। तौकीर। उसैद शकील। उज़ैर अहमद। वहाज अंसारी। वकास अहमद। वजाहतुल्ला खान। जैद खान। सुहेब अली। जिन जिन लोगों की अटेंडेंस उन्हें लगता है रह गई है वो मुझे मैसेज कर दें अपने रोल नंबर और सेक्शन के साथ। ठीक है मैं क्लास के लास्ट में आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी। अपना सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा और रोल नंबर एंड नेम। ठीक है लास्ट टाइम हमने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था उसमें किसी को कोई मसला है? आज जो है हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे।
मिस आपने सेक्शन ए की अटेंडेंस ले ली? जी सेक्शन ए की ले चुके हैं। चलो ठीक है मिस, अभी हम अभी अभी क्लास में एंटर हुए थे, मतलब थोड़ी देर पहले, तो आप बी पे थी, तो हम आपको मैसेज कर दें? जी मैसेज कर दें। चलो ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या है बेसिकली? हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज भी करते आ रहे हैं, इंटेजर, फ्लोट, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन सच अ मैनर टू एक्सेस इट efficiently। ये तो हो गई इसकी definition। मतलब ये आता है data structure का, आप अपने data को memory में इस तरीके से store करें कि आप उसे easily efficiently access कर सकें, ठीक है। Let's say मैं अपने data को जो है वो array में save करवाती हूँ, तो उसमें जो मैं operations perform कर सकूँ वो कम time में operations अपने और कम स्पेस में operations परफॉर्म कर सकूँ। लेट्स से कि मैं अपने डेटा को, अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपके कुछ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे इंटेजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आपके प्री डिफाइंड हैं जो आप यूज भी कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके कस्टम डेटा टाइप्स भी होती हैं जो कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, आप क्लास के तौर पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हो। अच्छा इसके अलावा जो हमारे कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो हम वेल नोन डेटा टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स का पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। आज जो है डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, हम उनका ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है लीनियर, दूसरा आपका होता है नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ भी चुके हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है? एरे, एरे है, लिस्ट है, लिस्ट है, इसके अलावा होता है आपका लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है आपके ट्री एंड ग्राफ्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके जो डेटा है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी में स्टोर होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लाइक वन बाय वन आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सिक्वेंशियल नहीं होता, मींस आपके हायरार्कियल डेटा जब होता है, हायरार्की होती है डेटा में, कोई लेवल्स डिफाइन होते हैं, तो हम वहां पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरेज आप पढ़ चुके हो, लिस्ट एरेज एक ही बात होती है मोर और लेस, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं। लिंक लिस्ट होती है आपकी, स्टैक होता है, क्यू होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। किसी को पहले से आइडिया है डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है? अच्छा जब हम एरे यूज करते हैं तो एरे के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हमें लिंक लिस्ट यूज करनी पड़ती है। अच्छा एरे पहले हम देख लेते हैं, एरे जो है वो मेमोरी मतलब ऑक्यूपाई किस तरीके से करते हैं, स्टोर किस तरीके से करते हैं वैल्यूज को। ये मैं लाइट से कहती हूँ मेरे ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ठीक है। इसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है,
सिंपली अज्यूम कर लेते हैं मेरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी है. जब हम कोई एरे इनिशियलाइज करते हैं तो एरे को आपको उसको आपको बताना होता है कि आपको किस साइज का एरे इनिशियलाइज करवाना है. ठीक है, मैं लेट से कहती हूँ, जनरली जब भी आप एरे डिफाइन करते हो आपको बताना एरे का साइज जो है वो बताना पड़ता है. एरे का साइज जो होता है वो आपका फिक्स होता है. तो जब आप कोई एरे डिफाइन करते हो तो एरे को आप बताते हो, लेट से मेरा एरे जो है वो 5 ब्लॉक का होगा. ठीक है, उसमें 5 स्पेसेस वो कंज्यूम करेगा. कल को मैं कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाती हूँ, उसमें जो है मुझे अब एरे का साइज जो है वो अपना ज्यादा डिफाइन करना है. ये होता क्या है मेमोरी में, यहाँ पर मेरे पास बोर्ड शेयर नहीं हो पाता आप लोगों से. खैर, लेट से मैं कहती हूँ कि एरे मैंने एक डिफाइन किया, एरे जो है वो मैं कहती हूँ एरे का साइज 5 होगा, 5 वैल्यूज स्टोर कर सकेगा. तो वो क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी है. ठीक है, इसमें कुछ एड्रेसेस डिफाइन होंगे. एरे में होता यह है कि अब जब मैंने कहा कि मेरा एरे है लेट से AR, वो 5 ब्लॉक का है, तो मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, उसको मेमोरी में 5 ब्लॉक की स्पेस जो है वो असाइन कर देगा, एलोकेट कर देगा. मीन्स ये कि मैं कहूँ मेरा AR जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ब्लॉक का मेरा एरे होगा. ठीक है, अब उसके आगे जो मेमोरी स्पेस मेरी बची है वो वहां पर कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करवा देगा. एक अलग से मैं कहती हूँ मैं लेट से कहती हूँ ये 5 ब्लॉक जो है वो मेरे एरे के हैं. ठीक है, उसके बाद मेमोरी मैं कोई दूसरा वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, कोई स्ट्रिंग डिफाइन करती हूँ, कोई इंटीजर डिफाइन करती हूँ, वो क्या करेगा, 5 ब्लॉक के बाद जो मेमोरी स्पेस बची है उसने वो वहां पर एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू रख दी है. 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक मेरा एरे था. अब मैंने जो दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया कोई लेट से B=1, उसने क्या किया, बी को जो है ये वाली मेमोरी एलोकेट कर दी है. उसके बाद कोई वेरिएबल मैंने अपने सिस्टम में डिफाइन किया लेंथ, लेट से सी काउंट कोई डिफाइन किया, उसने जो है वो सी को ये वाली मेमोरी एलोकेट कर दी. अब लेट से आफ्टर सम टाइम मुझे जो है वो अपने एरे में मजीद वैल्यू अपेंड करवानी है, मुझे अपने एरे का साइज जो है वो चेंज करना है, एरे का साइज जो है मुझे अपने वो चेंज करना है. गेट बंद करो उसमें. तो होगा क्या, अब इसने जो है एलोकेट की थी मुझे मेमोरी ब्लॉक 5 एरे के लिए मेमोरी ब्लॉक असाइन किया था. अब जब मैं कह रही हूँ मुझे अपने एरे का साइज चेंज करना है, उसमें मजीद वैल्यूज अपेंड करवानी है, तो वो क्या करेगा, अब उसे यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं मिल रही, तो वो मेमोरी में कोई दूसरी जगह ढूंढेगा जहां पर मुझे लेट से, अब मैं कह रही हूँ मेरे एरे का साइज जो है वो 10 होगा, वो वहां पर देखेगा जहां पर 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी फ्री होगी. तो वो यहाँ से पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा कोई स्पेस ढूंढेगा जहां पर 10 ब्लॉक्स फ्री हो, वो असाइन करेगा एरे को, फिर यहाँ से सारे एलिमेंट जो है वो कट करेगा और वो वहां पर पेस्ट करेगा और उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन करेगा. तो ये कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, पहले यहाँ वो मेमोरी एलोकेट कर रहा है एक, फिर यहाँ से वो कट कर रहा है सारे एलिमेंट्स को जाकर वहां पर पेस्ट कर रहा है. तो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. तो एरे में जो आपकी इंसर्शन है एलिमेंट्स की वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पाइथन में जो है हम आप देख रहे होते हो कि पाइथन में हमें एरे का साइज नहीं बताना पड़ता. पाइथन के अलावा आपको हर लैंग्वेज में जब भी आप यूज करते हो एरे, C#, जावा, उसमें आपको एरे का साइज डिफाइन करना पड़ता है. पाइथन में जो है वो डायनेमिक एरे यूज कर रहा होता है, उसमें भी कोई ना कोई प्री डिफाइंड कैपेसिटी होती है. मीन्स एरे को बेसिकली वो एरे नहीं होता जो आप पाइथन में यूज कर रहे होते हो, वो लिस्ट होती है. ठीक है, अगर आपको पाइथन में एरे यूज करना है तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है, फिर आप वो यूज करते हैं और उसमें आपको एरे का साइज बताना पड़ता है कि एरे जो है वो मेरा फिक्स साइज का होगा और एरे का साइज ये होगा. खैर, लेस में जो है वो डायनेमिक एरेज यूज होते हैं, उसमें भी वो कोई ना कोई कैपेसिटी सेट कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसे एक्सपेंड कर रहा होता है या कम कर रहा होता है. मिस, एरे का साइज बताने से मुराद उसका यानी जो मेमोरी में वो जो स्पेस लेगा वो है या फिर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये एरे का था ड्रॉबैक, जिसकी वजह से जो है वो एरे अब इसमें जो है इजी नहीं है कि आप एरे का साइज बढ़ा सकें या उसको इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें। इट वॉज तो इससे बचने के लिए जो है वो हम लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं। लिंक्ड लिस्ट हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में जो है आपके कंसेक्यूटिव लोकेशंस नहीं होती, एरे में जो आपकी लोकेशन होती है वो कंसेक्यूटिव होती है वन बाय वन। मींस ये कि अगर मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो अगर उसका साइज 5 है तो उसको ये इसके बराबर की जितनी लोकेशंस हैं वो सारी ए डबल आर जो आपका वेरिएबल है एरे के लिए ही होंगी, तभी हम उसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेट से जो मेरा पहला ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, तीसरे का 2 हो जाएगा और चौथे का थर्ड का फोर्थ मतलब थर्ड का जो इंडेक्स है वो 2 हो जाएगा। तो इसलिए आप एरे में इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिक्वेंशियल ब्लॉक्स असाइन होते हैं एरे को। इससे बचने के लिए क्योंकि ये फिक्स साइज का होता है, डायनेमिक नहीं होता, अगर आप इसमें मजीद एलिमेंट ऐड करवाते हैं तो उसको दूसरी मेमोरी मैनेजर को दूसरी स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है, फिर आप वहां पर जाकर उसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, आपके पास नोड्स होते हैं, ठीक है। ये एक नोड है, इसमें जो है वो आपके दो पार्ट्स होते हैं इसके, जिस तरह के नोड्स होते हैं जो आपस में ज्वाइंट होते हैं। जो आपका पहला वाला नोड होता है क्या होता है, आपका एड्रेस, ये होती है आपकी वैल्यू। ये जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो ये वाला जो है वो आपका डायरेक्टेड है। मैं काम करती हूँ, आपकी जो लिंक्ड लिस्ट होती है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। उसमें जो है नोड्स होते हैं, जो आपका पहला नोड होता है इस तरीके से होता है कि उसमें आपके हर ईच नोड में दो चीजें होती हैं, एक जो होता है वो उसका डेटा होता है और दूसरा जो होता है वो उसका एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका सिक्वेंशियल मीन्स ये कि इसमें जो मेमोरी असाइंड होती है वो
सिक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक असाइन नहीं होता क्योंकि ये किसी फिक्स साइज का नहीं होता। इसमें आपके नोड होता है, नोड में वैल्यू होती है और अगले उसमें एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट करने मेरा नोड है, नोड में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई, मुझे एक लिस्ट बनानी थी जो कि फिक्स साइज की नहीं है। ठीक है, डेटा जो है मैंने ए स्टोर करवाया और नेक्स्ट वाला जो आपका ब्लॉक है उसमें जो है वो एड्रेस होगा अगले वाले नोड का। ठीक है, इस वाले नेक्स्ट में मीन्स ये इस वाले ब्लॉक का जो बी ब्लॉक है मेरा, इसका जो एड्रेस होगा वो किसमें होगा, इसके एड्रेस वाले ब्लॉक में। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई और इसके एड्रेस में किसका एड्रेस होगा, सी ब्लॉक का। मीन्स ये कि ये आपस में लिंक किस तरीके से है, एड्रेस के थ्रू लिंक है। ये बात समझ आ रही है? लेट्स से मुझे इसमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करना है, कोई दूसरी वैल्यू ऐड करनी है, मैं सिंपली क्या करूंगी, जाकर एक नोड ऐड करवा दूंगी और उसमें जो है वो उसका जो एड्रेस है वो उसके प्रीवियस वाले नोड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये भी है, पहला जो आपका नोड होता है वो हेड नोड होता है, उसमें डेटा नहीं होता, उसमें सिर्फ एड्रेस होता है अगले नोड का। ठीक है, ये अगले यहाँ पर इसका एड्रेस जो है वो 3200 था, हेड नोड में क्या आ गया मेरे पास, एड्रेस आ गया 3200 का। मींस ये कि जब मैं इसमें ट्रैवर्स करूंगी, ट्रैवर्स क्या होता है, विजिट करना ईच नोड को। अब मुझे इसे अपने क्या कहते हैं लिंक लिस्ट प्रिंट करवानी है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप आओगे, आके जो है वो हेड नोड पे देखोगे एड्रेस क्या है, एड्रेस देखोगे 3200 है, 3200 पे जाकर आप वैल्यू चेक करोगे, वैल्यू हो गई 15। अब इसके नोड पर नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होगा, तो ये आपस में कैसे लिंक्ड है, एड्रेस के थ्रू, इसलिए हम इसे लिंक लिस्ट कहते हैं। अब इसमें 3600 है, 3600 अगले वाले नोड का एड्रेस है। ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैं अब 36 वाले एड्रेस पर चली गई, वहां पर से वैल्यू देख ली मैंने, अब मुझे नेक्स्ट नोड पर जाना है तो उस पर कैसे जाऊंगी, एड्रेस वाले उससे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 4000 पे आई, उसकी वैल्यू देख ली उसमें, और जो आपका लास्ट नोड होगा उसमें किसी का भी एड्रेस नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। मिस जी, जैसे हम नॉर्मल लिस्ट में जैसे हमारे पास इंडेक्स होते तो वो लाइन वाइज होते बेसिकली, यानी 0 1 2 3 करके, तो यहाँ पे जैसे इंडेक्स नहीं होती। हाँ, तो जैसे यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट में जैसे पहले उसका एड्रेस 3200 है, फिर 3600 है, तो बीच के जो बाकी यानी एड्रेसेस होंगे उनमें क्या होगा, वो किसी और वेरिएबल को असाइन होंगे। मींस ये कि जब आप एरे डिफाइन करते थे तो एरे में तो वो आपको पूरा एक सिक्वेंशियल ब्लॉक ऑफ कोड असाइन, मतलब सिक्वेंशियल ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन कर देता था ना मेमोरी मैनेजर। एक जगह पर इसने आपको ब्लॉक असाइन कर दिया एक नोड के लिए जिसमें जो है वो वैल्यू आ गई और डेटा आ गया। अब जरूरी नहीं है कि आपका अगला नोड जो है वो इसके बिल्कुल बराबर में ही होगा, हो सकता है उसको मेमोरी में कहीं और जगह मिली मेमोरी मैनेजर को और उसने वो कहीं और एलोकेट कर दिया। ठीक है, इनके बीच में किसी और चीज को भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है। अगर यहाँ पे 4400 का गैप है तो जरूरी नहीं कि 4400 का गैप हो, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सही, ठीक है, जहाँ पर मेमोरी मैनेजर को जगह मिलेगी वो जगह एलोकेट कर देगा। ठीक है, शुक्रिया। अब आपके लिंक लिस्ट जो है ये तो हो गई आपके सिंगल लिंक लिस्ट, इसको हम सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं। इसमें क्यों इसे सिंगल कहते हैं, क्योंकि इसमें आप ट्रैवर्सिंग सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट्स से मुझे पता है अगले नोड का एड्रेस ये है, 4000 है, 3600 है या 4400 है, तो मैं आगे तो जा सकती हूँ क्योंकि मुझे आगे वाले का एड्रेस पता है। लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, 90 पर हूँ, अपने 4400 पर हूँ, मैं मुझे ये पता करना है कि इसके पीछे वाले नोड पर जाना है, मींस ये रिवर्स ट्रैवर्स करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले नोड का एड्रेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका 90 पर जब मैं हूँ मुझे पता ही नहीं इसके पिछले नोड का एड्रेस क्या है। क्या आपके इस नोड पे पिछले नोड की कोई इन्फॉर्मेशन है, समझ आ रहा है? मीन्स ये कि इसमें सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग हो सकती है, रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं हो सकती सिंगल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें सिर्फ आगे वाले का एड्रेस तो है लेकिन पीछे वाले का नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट में तो वो -1 करके रिवर्स में भी जा सकते थे, वो लिस्ट में आप जा सकते हैं क्योंकि लिस्ट में सिक्वेंशियल होती है आपकी मेमोरी। लिस्ट में तो देखिए आप इंडेक्सिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने एक एरे असाइन किया है जो कि जिसका साइज फिक्स है 5 एलेट्स है, तो मुझे पता है कि 0 से लेकर 4 तक जो है ये पूरा जो ब्लॉक है मेमोरी का ये किसके लिए है, ये मेरे एरे के लिए ही है। अगर मैं इससे एक आगे बढ़ूंगी, मतलब इंडेक्स में अपने 1 प्लस करूंगी तो अगला एलिमेंट आ जाएगा, फिर प्लस करूंगी तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर प्लस करूंगी उससे नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो मैं एक एक इंडेक्स मीन्स ये एक एक इंडेक्स बढ़ाकर अगले आइटम को
एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक्ड लिस्ट में मुझे नहीं पता कि अगला जो मेरा मेमोरी ब्लॉक है वो इसी लिस्ट को असाइन है या किसी और को है, तो हम इसमें एड्रेस के थ्रू ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो सिंगल लिस्ट में आप सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हो। इस तरीके से आपकी लिंक्ड लिस्ट की टाइप्स होती है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट होती है, डबल लिंक्ड लिस्ट होती है, सर्कुलर होती है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, लिंक्ड लिस्ट है आपका, ये कितने सिंगली होती है, डबली होती है, सर्कुलर होती है और डबल सर्कुलर होती है, डबली सर्कुलर। लिंक्ड लिस्ट वही होती है जो भी हमने पढ़ा है। डब्ल्यू में क्या होता है, आपके बैक आने का भी एड्रेस होता है आपके पास। मींस ये कि ये दो के बजाय तीन एड्रेसेस होंगे, मतलब इसमें दो एड्रेस हो गए और एक डेटा होगा। ये आपकी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट है। इसमें क्या है, इसमें जो है वो दो आपकी, इतना पसंद नहीं है, देख लेता हूँ। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एक आपका फॉरवर्ड एड्रेस होता है और एक आपका बैकवर्ड एड्रेस होता है, ठीक है। मिस एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नोटपैड खोल दें, अपना स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। मैं ये फाइल आप सेंड कर दीजिए ना और पेड़ की, ठीक है, फाइल सेंड कर दूंगी। अच्छा, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एक में प्रीवियस वाले का एड्रेस होता है और अगले वाले में नेक्स्ट का। ये वाले ये वाला जो ब्लॉक है ये तो हमारा सेम है, इसमें क्या कहते हैं डेटा है और इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस है। यहाँ पर अब एक और पॉइंटर असाइन हो गया है, इस पॉइंटर में क्या होगा, प्रीवियस वाले का एड्रेस होगा, ठीक है। लेट्स से कि मेरा ये नोड ए है, ठीक है, ये हेड नोड है, इसमें जो है वैल्यू है आपकी ए, और इसमें इस वाले एड्रेस में, इस वाले पॉइंटर में जो है वो आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और प्रीवियस वाले में क्या है, इससे पहले वाले नोड का एड्रेस है, ठीक है। अब डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में जो है वो आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैवर्सिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें पिछले वाली नोड का भी एड्रेस है। इसी तरीके से आपकी क्या कहते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो लिंक्ड लिस्ट है उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो नल है, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, इस नल की जगह फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये एक तरीके से सर्कल बन गया आपका, समझ आ रही है ये बात। हम इसको इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे फिर रिवर्स की, इनिशियलाइजेशन मतलब मींस अभी हम लिंक्ड लिस्ट बनाकर देखेंगे, पाइथन में बनाते किस तरीके से, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरीके से नोड्स डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उनमें रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, रिलेट करवाते हैं एक नोड से दूसरे नोड को। ओके मैम, वैसे ये इमेज क्लियर नहीं हो रहा, इमेज क्लियर नहीं हो रही है जी। लेट्स से ये नजर आ रही है जी, ये आपकी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। इसमें दो एड्रेसेस हैं, ये हेड है एक, पहला वाला जो आपका नोड होता है वो हमेशा हेड नोड होता है, ठीक है। बीच में जो है वो आपके एक डेटा ब्लॉक है और दो एड्रेसेस के ब्लॉक हैं। आप लोगों को अभी जैसा सिंगल लिंक्ड लिस्ट में बताया था कि ये वाला जो ब्लॉक होता है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, मींस ये 20 वाला जो नोड है इसका एड्रेस होगा यहाँ पर। अब इस वाले उसमें क्या होगा, यहाँ पर फिलहाल नल होगा क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है। अब 20 से पहले 10 वाला नोड है, तो यहाँ 20 वाले के इस वाले पॉइंटर में क्या होगा, 10 वाले नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 30 वाले नोड का एड्रेस होगा, इसमें नेक्स्ट का होता है, इसमें प्रीवियस का एड्रेस होता है, ठीक है। ताकि जब मैं लेट से मैं 30 पर हूँ और मुझे ये पता करना है कि 30 से पहले वाला नोड कौन सा था, तो क्या होगा, इसके आप प्रीवियस वाले पॉइंटर को एक्सेस करेंगे और आपको उससे पहले वाला एलिमेंट पता चल जाएगा, प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या है, उसमें कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, यहाँ पर अभी आपके नल डिफाइन है क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है। अगर मैं इसमें अपने पहले वाले नोड का हेड नोड का एड्रेस दे दूँ तो एक तरीके से ये सर्कल बन जाएगा। जब मैं इस पर लूप लगाऊंगी और बार बार मैं नेक्स्ट एड्रेस विजिट कर रही होंगी, यहाँ पर आऊंगी, इसको नेक्स्ट एड्रेस किसका मिलेगा, हेड नोड का, फिर दोबारा इसको नेक्स्ट एड्रेस मिल जाएगा 20 का, इसको 30 का, फिर 30 को दोबारा से 10 का, तो ये एक सर्कल बन गया। आपकी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होती है,
इसी तरीके से डबल सर्कुलर में क्या होता है, डबल सर्कुलर में इसको जो है वो आपके लास्ट नोड का एड्रेस मिला हुआ होगा, तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लूप चल सकते हैं सर्कल में। ठीक है, हम लिंकलेस जो है वो बनाकर देख लेते हैं, पाइथन पे लिंकलेस बनती है ऐसा। मैम मेरा क्वेश्चन है जी, जैसे अगर डब्ली है तो डब्ली में होता है कि हम रिवर्स भी जा सकते हैं, तो हम बिल्कुल लास्ट से रिवर्स में जाएंगे, हम बीच में से भी किसी नोड से रिवर्स में जा सकते हैं? कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके हर नोड पे जो है उसे प्रीवियस वाले का एड्रेस है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले जो है मुझे अपने इसको क्या कहते हैं लिंकलेस बनाने के लिए मुझे क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी नोड की। अच्छा, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा दिया था, ताकि आप लोगों को जब हम इसमें क्लासेस यूज करें तो आप लोगों को आइडिया हो कि क्लास होती क्या है। क्लास मैंने आपको कहा था आप अपने कस्टम डेटा टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली वो आपकी कस्टम डेटा टाइप ही होती हैं जो आप क्लासेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कह रही हूँ कि मुझे जो है एक डेटा मेरे पास जो है वो लिंकलेस टाइप का है, तो मुझे उसके लिए क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कस्टम क्लासेस होती हैं। अभी सबसे पहले मुझे नोड डिफाइन करना पड़ेगा, मैंने क्लास डिफाइन की नोड की। नोड में क्या है आपकी दो चीजें हैं। अच्छा, इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है आपका df डबल अंडरस्कोर init इनिशियलाइजेशन डबल अंडरस्कोर सेल्फ आपका हमेशा पहला पैरामीटर लेता है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, अच्छा अब ये जो है नोड जो है वो आपके दो पैरामीटर्स ले रहा होगा, एक डेटा का होगा और दूसरा नेक्स्ट एड्रेस का होगा। ठीक है, मैं कह देती हूँ अगर नेक्स्ट एड्रेस से ना मिले तो ये क्या ले ले, नन ले ले, कुछ भी नहीं है। मिस, लिंक्ड लिस्ट पाइथन में बिल्ट इन नहीं है? बिल्ट इन नहीं है, ये आपको खुद से बनानी पड़ती है। हो सकता है इसकी कोई लाइब्रेरी हो जो सपोर्ट देती हो, वैसे जनरली खुद बना रहे होते हैं आप। ये कस्टम, ये प्री डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड आपके ठीक है, ठीक पाइथन में तो लिस्ट है, एरे भी आप किसी और लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवा के यूज करते हो। डेटा मैंने कह लिया क्या हो जाएगा, डेटा ठीक है, और सेल डॉट नेक्स्ट एड्रेस जो है वो आपका हो जाएगा नेक्स्ट एड्रेस। ये मैंने अपनी एक नोड डिफाइन कर लिया अपना। अब मैं अपनी क्लास बनाती हूँ लिंक्ड लिस्ट की। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट की क्लास बना ली, इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। जब भी आपके कोई लिंक्ड लिस्ट इनिशियलाइज होगी, इसमें जो सबसे पहली चीज होगी हेड होगा, सेल्फ डॉट हेड। इनिशियली जो है वो आपका हेड क्या होगा, नन होगा। शुरू में अभी लिंक्ड लिस्ट मेरी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। अब मैं लिंक्ड लिस्ट में जो है वो वैल्यूज ऐड करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, नोट इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ। हो जाएगा आपका सेल्फ, और ये क्या ले रहा होगा, नोड ले रहा होगा, क्योंकि नोड इंसर्ट होता है लिंक्ड लिस्ट में। इंसर्ट जब आपने करवा तो ये करे सेल्फ डॉट हेड आपका हो जाएगा नोड, या बल्कि हम डेटा ले लेते हैं अपनी इस। ठीक है, आना है उन्होंने, अच्छा अब मैं यहाँ पर पहले नोट बना लेती हूँ। ठीक है, मैं लेट्स से नोट जो है वो और नोड क्या ले रहा है आपका, डेटा ले रहा है और दूसरा ले रहा है नेक्स्ट एड्रेस। नेक्स्ट एड्रेस अभी मुझे नहीं पता, तो मैं नन भिजवा देती हूँ, और नन वैसे भी ले लेगा, भिजवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड जो है वो मेरा नोड हो गया, और बुला
यहाँ पर सबसे पहले अच्छा नोड डिफाइन कर लिया मैंने हेड को नोड दे दिया लेकिन पहले जो है मुझे इसको एड्रेस भी देना पड़ेगा सेल डॉट हेड डॉट नेक्स्ट मिसी जो आपने हेड इक्वल टू नोड लिखा है नोड तो डिफाइन ही नहीं किया ऊपर कहीं मतलब हेड इक्वल टू क्या लिखा है self dot head equal to node लिखा हुआ है ना तो node तो ऊपर कहीं defined ही नहीं है error दे देगा वो sorry n sorry यहाँ पे अब आवाज आ रही है मेरी यस ओके टेक्स्ट ऑफ पे सेव किया था मैंने मिस जी अगर टाइम लगेगा तो नमाज का ब्रेक दे दे मिस नमाज का ब्रेक आज नहीं दे सकती मैं जिसने पढ़नी है वो जाकर पढ़ ले बाकी लोग जो है वो क्लास ले लें मिस तो रिकॉर्ड ही कर लें एटलीस्ट ताकि फिर हम बाद में देख सकें ये मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी हो नहीं रहा है इस पर ऑप्शन नहीं आता मेरे पास पता नहीं क्यों यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए बट जी अच्छा एक काम करें 5 मिनट का नमाज का ब्रेक दे रही हूँ मैं जिस जिसने पढ़नी है जल्दी से पढ़ के आ जाए ओके मिस थैंक यू ठीक है ये अभी 4:58 हो रहे हैं 5:05 पर आ जाएं कॉलिन से
आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जल्दी जल्दी करना। 5 मिनट का ब्रेक है, मैं 5:05 पे दोबारा क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ओके मिस जी, सर बदर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे? मुझे नहीं पता सर बदर क्यों नहीं ले रहे, वो क्लासेस नहीं ले रहे इसलिए मैं ले रही हूँ। तो मिस आपको कुछ आइडिया है कि वो कब से लेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। इस सेमेस्टर हो सकता है क्लासेस ना ले, मैं ही आप लोगों का पेपर बनाऊंगा, आप पेपर लूँ, मैं ही क्लासेस लूंगी सेमेस्टर आप लोगों की। ओके मिस जी, मिस यहाँ पे आपने सबसे पहले फंक्शन में नेक्स्ट एड्रेस इक्वल्स टू नन किया, मिस इससे क्या होगा? मिस ये मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन की है। इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से फंक्शन में डिफाइन करते हैं, अगर से यहाँ पर कोई वैल्यू नेक्स्ट एड्रेस में, लेट्स से जब मैं इनिट कॉल करती हूँ कोई वैल्यू भिजवा देती हूँ 1, 2, 3 एनीथिंग, तो ये वो वैल्यू यहाँ पर इसको असाइन कर देगा। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू नहीं भिजवाती नेक्स्ट एड्रेस में, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू ले लेगा, नन। ठीक है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन करना। हम मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू इसकी डिफाइन कर दी है नन, अगर कोई वैल्यू ना आए तो नन इसकी जगह आ जाए, और अगर कोई और वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आ जाएगी। सही है, कुछ करने का भी कोई मजबूरी होती है तो क्लास मिस हो जाती है, लास्ट क्लास भी नहीं ली थी, अब उसको क्या करेंगे? आपने लास्ट क्लास क्यों नहीं ली थी? नेट नहीं था, नेट नहीं था, लाइट नहीं थी। बेटा आजकल होता तो है किसी के पास। खैर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखती हूं बाद में कोशिश की थी, लिंक जॉइन लिंक भी ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कैसे हो सकता है लिंक ओपन नहीं हो रहा था। लास्ट क्लास तक मैंने बच्चों को किया है एडमिट, लेकिन जब बिल्कुल क्लास एंड होने वाली थी उसके बाद नहीं अलाउ किया था मैंने। मिस ये नोड जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का? नहीं नहीं नहीं, नोड की मैंने कस्टम क्लास डिफाइन की। आपने लास्ट क्लास ली थी? जी मिस ली थी।
तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना क्लासेस किस तरीके से डिफाइन करते हैं. लेट्स से मेरा कोई अब जैसे यहाँ पर मेरे पास मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जो कि दो वैल्यू स्टोर करे, एक एड्रेस स्टोर करे और दूसरा वैल्यू स्टोर करे. तो इसके लिए कोई बिल्टन फंक्शन नहीं है पाइथन में. बहुत सारे ऐसे आपके कस्टम डेटा टाइप होंगे जो आपको अपने एप्लीकेशन के मुताबिक यूज करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होंगे. तो ऐसे डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए हमें क्लास की फिजिबिलिटी दी गई है कि आप उसकी अपनी प्री डिफाइंड जो है वो कस्टम क्लास बना लें और फिर उसे यूज करें. जैसे कि नोड यहाँ पर मेरे पास पाइथन में प्री डिफाइंड नहीं है, मैंने एक क्लास डिफाइन कर ली नोड की. अब क्या होगा, नोड मेरा ऐसा डेटा टाइप है जो कि दो वैल्यूज लेता है, डेटा लेता है और नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस लेता है, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेता है. तो ये मैंने खुद से डिफाइन कर लिया. इस तरीके से लैंगलेस जो है वो मैंने खुद से डिफाइन कर लिया कि एक मेरी कस्टम डेटा टाइप है लैंगलेस, ठीक है. उसमें जो है जब मैं इंसर्ट करवाऊंगी उसको डेटा दूंगी तो वो नोड बाय नोड डेटा इंसर्ट करेगा. अभी ये एक्सप्लेन कर दिया. मिस पिछली क्लास की आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या पीपीटीज वगैरह होंगी, स्लाइड्स वगैरह पिछली क्लास की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की? जी मिस मेरे पास तो नहीं है. गूगल कर लो, गूगल पे इतनी सारी चीजें पड़ी तो होती हैं, आजकल जरूरत कहाँ होती है. फिर भी मैं देखकर शेयर करवा दूंगी. ठीक है मिस, थैंक यू. हम क्या कर रहे थे, हम पाइथन पे लिंक लिस्ट बना रहे थे. लिंक लिस्ट में क्या है, मैंने सबसे पहले अपना लिंक लिस्ट जो है वो आपकी नोड्स बाय नोड्स होती है, इसलिए मैंने पहले अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नोड का डिफाइन कर लिया. नोड में क्या है, मेरे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक डेटा है और एक नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है, पॉइंटर है बेसिकली. लिंगलिस्ट मैंने एक क्लास डिफाइन की लिंगलिस्ट की, उसको इनिशियलाइज करवाया. उसमें जो सबसे पहले जो है, अभी मेरे पास लिंगलिस्ट में कोई डेटा नहीं है. जब कोई लिंगलिस्ट इनिशियलाइज करवा रहा है उसमें कोई डेटा नहीं है, मैंने उसका जो हेड है उसको नन दे दिया, मींस नल है, अभी कुछ भी नहीं है. अब मैं कहती हूँ जब कोई लिंगलिस्ट बनाए, लेट्स से मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन, जो कि किस टाइप की है, लिंगलिस्ट टाइप की है. हम इसी तरीके से अपने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाते थे. अब क्या है, मेरे पास लिस्ट वन किस टाइप की है, लिंगलिस्ट टाइप की है. अब मैं चाह रही हूँ लिस्ट वन में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवाना, तो मैंने लिंगलिस्ट में अपने एक फंक्शन बनाया हुआ इंसर्ट का,
मैं क्या करूंगी, लिस्ट वन में ये फंक्शन कॉल कर सकती हूँ सर, क्योंकि इस क्लास में जितने भी फंक्शंस डिफाइन है वो मैं कॉल कर सकती हूँ अपने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से. मैं कॉल कर रही हूँ इंसर्ट. इंसर्ट करे इसमें क्या वैल्यू इंसर्ट करे, लेट्स से 3 इंसर्ट कर रहे हैं. इंसर्ट जो है वो मेरा डेटा दे रहा है. मैंने जो है वो 3 इंसर्ट करवा दिया. एक और मैं वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ लिस्ट वन में, उसमें हाँ ठीक है लिस्ट वन में इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ लेट्स से 4 इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ. इसी तरीके से जिस तरीके से आप उसमें अपेंड करते थे मैंने यहाँ पर इंसर्ट का फंक्शन रखा है. ठीक है, वैल्यू से स्टोर करवाना चाह रहा है वो इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ. अब होगा क्या, जब मैंने लिंक्ड लिस्ट डिफाइन की, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो अपनी क्लास का, मैंने मेरी क्लास की लिंक्ड लिस्ट उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट वन, वो क्या करता है उसके इनिशियलाइजेशन के फंक्शन को कॉल करता है. इनिशियलाइजेशन के फंक्शन पे आया, उसने एक सेल्फ डॉट हेड एक मेमोरी में जगह ले ली जिसमें क्या नोड, मतलब कि आपका पहला हेड नोड बनाया उसने, उसको क्या इनिशियलाइज करवा दिया, नन. अभी सिर्फ आपके पास मेमोरी में एक ही जगह है जो कि है नन. अब जब मैंने कहा लिंक्ड लिस्ट में लिस्ट वन में अपने इंसर्ट करवाया 3, अब वो आएगा इंसर्ट के फंक्शन में, डेटा क्या है उसके पास 3 यहाँ पर आएगा. अब जो आपकी हेड है उसको वो क्या कर देगा, नोड उसमें एक बना देगा और उसमें डेटा क्या होगा 3, और उसमें नेक्स्ट क्या होगा सेल डॉट हेड, मीन्स जो पहले वाले का एड्रेस, पहले वाले का एड्रेस क्या था नन, तो इसमें क्या चला गया नन. अब जब मैंने दूसरी कोई वैल्यू इंसर्ट की है, लेट से मैंने 4 इंसर्ट किया है, तो वो यहाँ पर आएगा. अब जो आपके हेड में नोड बनाएगा वो क्या बनाएगा, डेटा उसमें क्या जाएगा 4, और एड्रेस क्या जाएगा सेल्फ डॉट हेड का. सेल्फ डॉट हेड क्या था आपका, पहले वाला नोड, 3 वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर. ये बात समझ आई है? नहीं मिस, नहीं आई समझ. अभी यहाँ मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको लिख के समझाती हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ. जब मैंने लिस्ट में इंसर्ट किया पहली दफा, मैंने कहा 3 इंसर्ट करता है. ठीक है, इंसर्ट के फंक्शन में आया मेरा कोट, यहाँ पर आकर इसने क्या किया, अभी सेल्फ डॉट हेड क्या था नन, तो यहाँ पर आपके क्या चला गया नन, क्योंकि पहले यहाँ पर आपका क्या होता है, पहले डेटा होता है और फिर नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस पहली दफा में आपका क्या चला गया नन, और डेटा क्या चला गया 3. जब मैंने दोबारा इंसर्ट करवाया, मैं अब 4 इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ. ठीक है, अब जो मेरा सेल्फ डॉट हेड था वो क्या हो गया 3 और नन. अब जब मैं इंसर्ट करवाने आऊंगी तो उसमें क्या होगा, डेटा क्या इंसर्ट करेगा 4, और एड्रेस में क्या आएगा पहले वाले का एड्रेस, सेल्फ डॉट हेड का एड्रेस आ जाएगा. मीन्स ये कि ये वाला जो आपने 3 इंसर्ट किया था और उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर. ये क्या हो रहा है, मीन्स ये कि पहले मैंने इंसर्ट करवाया 3, अब ये 3 के आगे इंसर्ट कर रहा है. पहले आपका क्या कहता है 3 इंसर्ट हुआ है, उसके बाद 4 इंसर्ट हुआ है, उसके बाद 6 इंसर्ट हुआ है. जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये पहले 6 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा. अभी मैंने इंसर्ट करवाया, सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट होंगी. मैं ये कोड रन करके देखती हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिंट करवाया ही नहीं है. ठीक है, ये सेव कर देते हैं सबसे पहले. अब मैं लेट से कहती हूँ प्रिंट कर दे मेरी लिस्ट को, प्रिंट करवा देती हूँ. प्रिंट कर लिस्ट वन डॉट प्रिंट लिस्ट, मैंने कॉल किया, कांट कन्वर्ट इंटीजर ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग्स. ओके, प्रिंट लिस्ट जो है वो आपका लिस्ट डेटा, लिस्ट डेटा हमें अपेंड करते. अच्छा, क्योंकि मैंने इसे कौन सी लाइन पे आ रहा, line number 20 cell dot head dot next. okay, क्योंकि next कुछ भी नहीं है, next address है. my bad. okay.
आपने बनाना प्रिंट किया, मैंगो पहले एप्पल प्रिंट किया है, फिर मैंगो फिर बनाना, मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें क्लास करवा रही थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया था इसमें एप्पल, फिर एप्पल के आगे मैंने इंसर्ट किया मैंगो, और उसके आगे इंसर्ट किया मैंने बनाना। अब ये हो क्या रहा है, ये मेमोरी में आपके कोई लिस्ट नहीं बना रहा, मींस ये कि ये एप्पल मैंगो बनाना एक साथ स्टोर नहीं हुआ है, बल्कि वो पहले जो है एप्पल स्टोर करता है, उसके बाद एड्रेस जो है क्या कहते हैं एप्पल वाले का एड्रेस, फिर मैंगो में जब आप मैंगो इंसर्ट करते हो तो इसका वाला एड्रेस इसके साथ अटैच करता है, फिर जब आप बनाना स्टोर करते हो तो मैंगो का एड्रेस जो है वो बनाना के साथ स्टोर करता है, इसलिए जो है आप इस तरीके से ट्रैवर्स कर रहे हैं इसमें। होता क्या है, जब मैं प्रिंट लिस्ट में आती हूँ, अच्छा इंसर्ट में क्या होता है ये बात समझ आई, मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुई है। जब मैं पहले जो है मेरा हेड जो है वो नन है, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं है, जब मैं इंसर्ट करने आती हूँ यहाँ पर मैं एक नोड बनाती हूँ, नोड में जो है मेरा डेटा चला जाता है। अच्छा यहाँ पर एरर पहले इसलिए आ रहा था 3-4 में, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में अपेंड करवाया हुआ था, उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ता, उसका एरर था। फिलहाल मैंने कहा मुझे एप्पल इंसर्ट कर दे मेरी लिस्ट में, वो यहाँ पर आएगा इंसर्ट में, एक नोट बनाएगा, उसमें डेटा क्या जाएगा एप्पल, और एड्रेस जो जाएगा आपका पहले वाले का एड्रेस जाएगा। पहले वाले का एड्रेस क्या था, नन, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, तो पहली दफा में नन चला गया। अब मैंने सेल्फ डॉट हेड को किसके बराबर कर दिया, इस नोट के एड्रेस के, सेल्फ डॉट हेड में क्या होगा, इस नोट का एड्रेस होगा। जब आप कोई क्लास डिफाइन करते हो, लेट से ये लिस्ट वन क्या है, ये एक एड्रेस है, राइट, इसी तरीके से जब मैंने नोट का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये सेल्फ डॉट हेड क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया, किसका, इस नोट का। अब इस नोट के एड्रेस में किसका एड्रेस पड़ा है, एप्पल वाले का एड्रेस पड़ा है। जब मैंने कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करवाई मैंगो, तो मैंगो में सेल्फ डॉट हेड में क्या चला गया, जो पहले वाला नोट था एप्पल वाले नोट का एड्रेस चला गया। ये बात समझ आ रही है, यहाँ पर मैंने क्या किया प्रिंट लिस्ट में, प्रिंट लिस्ट में मैंने कहा है कि अगर आपका हेड जो है वो नन है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई, हेड ही नन है आपका, उसके बाद उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करते हैं। अगर चाहे नन नहीं है तो वो तब तक आपका लूप चलाए जब तक सेल्फ डॉट हेड नन नहीं हो जाता, जब ये नन हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, जब तक सेल्फ डॉट हेड नन नहीं है। अभी जो है सेल्फ डॉट हेड पे क्या होगा, आपके पास सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि आप जो है वो अपने जैसे जैसे नोड ऐड करवा रहे हो उसको किसमें इंसर्ट करवाते जा रहे हो, सेल्फ डॉट हेड में। अब जो है वो तब तक लूप चले जब तक आपका सेल्फ डॉट हेड नन नहीं हो जाता। यहाँ पर वो आए सेल्फ डॉट हेड का डेटा प्रिंट करता है, तो इसने सबसे पहले कौन सा डेटा प्रिंट किया, बनाना। मैंने एक वेरिएबल ले लिया था जिसको मैंने इनिशियली एम्प्टी डिक्लेयर कर लिया, उसमें मैं अपेंड करवाती गई हूँ, ठीक है। उसने जो है वो सबसे पहले बनाना प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये एरो लगा दिया उसके साथ। अब क्या करें, मुझे कहाँ जाना है, नेक्स्ट वाले नोड पर जाना है, तो नेक्स्ट वाले नोड पर कैसे जाऊंगी, उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होगा, सेल्फ डॉट हेड डेटा में डेटा है और नेक्स्ट एड्रेस में उसका एड्रेस है। मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड को अपने बराबर कर दिया एड्रेस के। अब नया जो मेरा हेड बना है उसमें क्या होगा, मैंगो का डेटा होगा और एप्पल का एड्रेस होगा। समझ आ रही है ये बात, या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये तो बेसिकली अभी सिंगल लैंग्वेज हमने इंप्लीमेंट है, इसके अलावा डब्ल्यू भी होती है, सर्कुलर होती है, खैर वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये समझने की कोशिश करो कि लिंगलिस्ट इंप्लीमेंट किस तरीके से, ये लिंगलिस्ट का कांसेप्ट समझ आया या उसमें भी मसला है। इसे एक बार शुरू से बोलना कि लेकिन ये जो है आपने कोड लिखा है ना, इसमें बड़े मसले हो रहे हैं। कोड स्टार्ट से लिख के बताते हैं एक बार मैम, ये अगर रिकॉर्डिंग होती तो इसको हम बार-बार रिकॉर्ड भी करके रिपीट भी करके देख सकते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग भी तो नहीं हो रही। मिस ये नेक्स्ट ऐड वाली बात समझ में आई, नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश, अच्छा बता रही हूं, मैं नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी मैं ट्यूटोरियल्स इनके देखकर शेयर करवा दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं दोबारा से एक दफा क्लियर कर देती हूं, दोबारा से समझा देती हूं, ठीक है। मिस ये आप सिंगल लिंक्ड लिस्ट पढ़ा रही हैं, अभी तो मैंने सिंगल लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट करवाई है जी, ठीक है मैं दोबारा से एक दफा कोड करके दिखा देती हूँ, तो ताकि समझ आ जाए।
सबसे पहले हमने क्या किया, मुझे नोट चाहिए था तो मैंने क्लास अपनी एक डिफाइन कर ली नोट की, क्योंकि मुझे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि दो चीजें ले, एक डेटा ले और दूसरे में उसका एड्रेस ले. ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए मैंने क्लास डिफाइन कर ली नोट की. और जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो उसमें वैल्यूज जब हमें इनिशियलाइज करनी होती है तो हम किस में करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर के फंक्शन में, इनिट के फंक्शन में. तो मैंने इससे इनिट का फंक्शन डिफाइन कर लिया. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे अगर पाइथन पे किया तो. वैसे भी कॉन्सेप्ट तो सेम है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है आपकी क्लास का. ठीक है, पहला पैरामीटर सेल्फ का होता है, वो सेल्फ लिख दिया. बेसिकली सेल्फ को आप भूल जाओ, सेल्फ जो आपके पैरामीटर्स हैं वो क्या आप भेजवाओगे, डेटा और नेक्स्ट एड्रेस. नेक्स्ट मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये इसका कोई कीवर्ड है, ये एरर देगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट ऐड ले लिया. मैंने इसको डिफॉल्ट दे दिया कि अगर कुछ ना आए तो आप इसको नन ले लेना. सॉरी नन इस तरीके से नहीं लेते, नन जो ही होता है. ठीक है, अब मुझे इनको इनिशियलाइज करवाना है. जब वैल्यू आए तो सेल्फ डॉट डेटा जो है वो आप अगर हम नेक्स्ट हेड की कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो उसमें नन स्टोर हो जाएगा. एक्जेक्टली, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको दे दी है ना. अगर मैं कोई नेक्स्ट एड्रेस नहीं दूंगी तो वो क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट नन. और अगर वैल्यू दूंगी तो वो वैल्यू ले लेगा, यानी वो लास्ट हमारा नोड बन जाएगा एक तरीके से. अभी जो हम वैल्यूज ऐड करवा रहे हैं ना इसमें, अभी जो हम वैल्यूज ऐड करवा रहे हैं वो एक नोड के पहले ऐड करवा, मींस आपने एक नोड डिक्लेयर किया उससे पहले ऐड करवा रहे दूसरा नोड, फिर उससे पहले ऐड करवा रहे तीसरा नोड. आप बाद में भी ऐड करवा सकते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से ऐड करवा रहे हैं. हम हेड के आगे ऐड करवा रहे हैं. ठीक है, अभी हम रिवर्स में जा रहे हैं. हाँ, अभी हम रिवर्स में करवा रहे हैं क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करोगे ना तो वो पहले आपको पूरी लिंक लिस्ट चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद लास्ट वाले में जाकर ऐड करवाना पड़ेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, ये इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये सारी चीजें, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो लिंक्ड लिस्ट होती क्या है, उसको पाइथन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. आगे हमें स्टैक क्यू और ट्रीज भी पढ़नी है. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कह दिया नेक्स्ट एड्रेस जो है, अगर कोई नेक्स्ट एड्रेस आता है जो कि आपका आएगा बाद में, तो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो नेक्स्ट एड्रेस के बराबर होता है. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे थर्ड करवाना, थर्ड के लिए फंक्शन बना लेती हूँ. इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इंसर्ट का नाम दे दिया. पहला पैरामीटर सेल्फ का होता है. इंसर्ट क्या ले आपका, सिंपली डेटा ले, क्या इंसर्ट करवाना है आपको लिस्ट में. ठीक है, जब मैं इंसर्ट करवाऊँ, अच्छा सॉरी ये तो नोट बना रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास लैंग्वेज की क्लास बना ली है मैंने, इसमें हम इसके कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बना लेते हैं और ये आपका ले रहा होगा, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ इसमें आपको सेल्फ डॉट हेड. जब आपका कोई लिंक्ड लिस्ट कोई डिफाइन करे, लिंक्ड लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो क्या करे, आपके सिर्फ एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दे हेड और उसको इनिशियली जो है वो नानो. ठीक है, जब तक कोई वैल्यू आप ऐड नहीं करवा, उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपके मेमोरी में एक जगह स्टोर कर ले वो नानो. ये पता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट वन, जिसकी टाइप है लिंक लिस्ट है. सही है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है. ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम. जब ये कॉल होगा, लिंक लिस्ट कॉल होगा, तो ये क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेगा. कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन, मेमोरी में जाएगा, जाके एक जगह असाइन करेगा और उसका नाम क्या होगा, हेड, और उसमें वैल्यू क्या होगी, नन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हेड है, मेमोरी का नाम और उसमें वैल्यू नन है. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. अब मैं अपनी लिस्ट में कुछ वैल्यूज स्टोर करवाना चाह रही हूँ, लाजमी सी बात है, वरना लिस्ट बनाने का फायदा, मुझे इंसर्ट करवाना है. ठीक है, मैं इसके इंसर्ट के लिए फंक्शन बनाती हूँ. इंसर्ट में किस तरीके से करवाऊंगी, इंसर्ट में जो है वो पहला पैरामीटर है सेल्फ का, दूसरा वो जो है सिर्फ डेटा ले लें. हमारे पास इंग्लिश में डेटा कैसे स्टोर होता है, नोट के उसमें होता है. तो अब जो मेरा सेल्फ डॉट हेड है, जो उसने मेमोरी में जगह ली थी, सेल्फ डॉट हेड, अब इस पे क्या आ जाए, आपका नोड आ जाए. और नोड क्या लेता है, दो चीजें लेता है, डेटा, डेटा जो है आ रहा है, और एड्रेस में क्या आएगा, पहले वाले का एड्रेस. पहले वाले का एड्रेस हमारे पास कहाँ था, किसमें था, सेल्फ डॉट हेड में, राइट. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस में आ गया आपका सेल्फ डॉट हेड, आपका लैंग्वेज में डेटा स्टोर हो गया, बस दैट्स इट.
नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वैल्यू ऐड करवाओगे, फर्स्ट करो मैंने एप्पल ऐड करवा दिया, एप्पल में जो हेड पे एड्रेस गया है वो क्या गया, नन गया, और सेल डॉट हेड अब किसके बराबर हो गया, एप्पल वाले नोट के जो पहला वाला नोट ऐड करवाया है। अब कोई मैं दूसरी वैल्यू स्टोर करवाती हूँ तो क्या करता है वो, फर्ज करो मेरी जो दूसरी वैल्यू थी डेटा था उसमें बैंक हो, और इसमें एड्रेस किसका आएगा, पहले वाले नोट का, तो पहले वाले नोट को मैंने किसमें करवाया है, अब मैं अलग अलग से वेरिएबल हूँ तो मैंने सेल डॉट हेड को यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। एप्पल वाले का एड्रेस किसमें पड़ा था, सेल डॉट हेड में, तो सेल डॉट पहले सेल डॉट हेड में क्या था, एप्पल वाले का एड्रेस, अब सेल डॉट हेड में क्या आ जाएगा ये करने के बाद, मैंगो वाले का एड्रेस, उसके बाद थर्ड वाले में, मीन्स ये सेल डॉट हेड को मैं मॉडिफाई करती जा रही हूँ। मिस एड्रेस और वैल्यू वही आएंगी, पहले एड्रेस सबसे पहला जब नोड ऐड करवा एक वैल्यू इंसर्ट करवाती, लेस्ट वन में मैंने इंसर्ट किया, इसमें इनहेरिटेंस हो ही नहीं रही है कहीं पर भी, इनहेरिटेंस कहाँ है, क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप कॉल कर रही हैं, मैं क्लास के अंदर दूसरी क्लास नहीं, उसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भूल जाओ, कंपोजिशन कहलाती है, मैं सी तो ये कंपोजिशन है, इनहेरिटेंस है ही नहीं, लेकिन आप इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से ताल्लुक नहीं है, इसका बेसिक लॉजिक है, आप वो समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओवरव्यू जितना देना था वो तो दे दिया, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आप ही लोगों के लिए, मैं इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन या कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ाऊँ तो आप ये देखें, मैंने एक क्लास बनाई लिंगस्ट की, उसमें जो है पहले उसके इनिशियलाइजेशन में मैंने एक उसका सेल डॉट हेड एक मेमरी में जगह ली, उसको जो है नन डिक्लेयर करवा दिया हेड को, जब मैं आई मैंने इंसर्ट किया लिस्ट वन में, वो क्या करे एप्पल इंसर्ट करते, तो सेल डॉट हेड क्या था आपका, नन, यहाँ पर क्या आ गया फिलहाल नन, और डेटा में क्या आया आपका एप्पल, ठीक है, उसने एक नोड बनाया, नोड में यहाँ पर नन आ गया और यहाँ पर एप्पल आ गया। अब ये जो सेल डॉट हेड है इसमें क्या जा रहा होगा, एड्रेस, एड्रेस ऑफ दिस नोड, एप्पल वाले का एड्रेस। अभी मेरा हेड क्या हो गया, हेड जो है मेरा अब एक नोड हो गया जिसमें एड्रेस है एप्पल वाले का, ये बात समझ आ रही है। दूसरी जब मैंने इंसर्ट करवाई वैल्यू, लेट से मैं वैल्यू इंसर्ट करवा रही हूँ कोई दूसरी मैंगो, अब क्या होगा वो यहाँ पर आएगा, सेल डॉट हेड क्या था पहले जो मैंने ऐड करवाया था वो है, मींस एप्पल है अभी सेल डॉट हेड, यहाँ पर आया, इसने एक और नोड बनाई उसमें वैल्यू क्या डाली, मैंगो, और एड्रेस में क्या डाला, सेल डॉट हेड, क्योंकि सेल डॉट हेड जो है वो एप्पल वाले का एड्रेस है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, मैंने यहाँ पर लिंक लिस्ट डिफाइन की है, तो लिस्ट वन में क्या आएगा, इसका एड्रेस, मिस एड्रेस है क्या, एड्रेस मेमोरी एड्रेस है ना ये आपका, मेमोरी में जो जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है उसका एड्रेस क्या है, पहले एड्रेस में आएगा दोबारा एड्रेस, क्या कह रहे हैं, एक बार एड्रेस नन होगा ना मिस इसका सेल्फ डॉट हेड का, पहली दफा में नन होगा क्योंकि पहले कोई उसमें नोड ही नहीं है, इसलिए नन है, जब नोड ऐड करवा दोगे तो नोड का एड्रेस आएगा। एड्रेस क्या है मिस यहां पर, ये मिस ही सेल्फ डॉट हेड ही तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो उसका उसमें वो एड्रेस रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली मतलब जब आपने ये सही बिल्कुल यही है, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट हेड को ताकि समझ आ जाए, ठीक है पहले प्रिंट करवाती हूँ ताकि पहले नन दिखाए, पहली दफा मैं आपको क्या है सेल डॉट हेड नन है तो यहाँ पर नन वैल्यू चली गई, उसके बाद मैंने क्या किया सेल डॉट हेड में क्या आ जाए एप्पल वाले का एड्रेस, अब जब मैंने इसमें एप्पल ऐड करवाया है तो वो एप्पल वाले का एड्रेस आ जाएगा, और सेकंड टाइम में क्या आएगा मैंगो वाले का एड्रेस। बेसिकली जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, प्लस टू इज नॉट डिफाइंड, प्लस टू क्यों लिखा है मैंने, तो वो ऑब्जेक्ट एड्रेस रिटर्न करता है आपको, ये देखो पहली दफा में नन, दूसरी दफा में जो नोड बना है उसका एड्रेस, ये एड्रेस है आपका मेमोरी एड्रेस है, ये बेसिकली मेमोरी में ये चीज कहाँ पर रखी हुई है, सही है मैम, सही है, थैंक यू। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो
इस तरीके से नोड या इस तरीके से, तो ये वाली जो चीज है ना ये आपके एड्रेस होती है, मेमोरी एड्रेस होती है, ठीक okay, है। अभी यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू ऐड करवा कर देखी है, ये दोनों वैल्यू ऐड कर रहा है, इसी तरीके से हम मल्टीपल, छोड़ दो मल्टीपल वैल्यू, सिंगल सिंगल ही, ठीक है। अब मुझे अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, ट्रैवर्स किया है हेड पर, सारे हेड्स पर, क्योंकि जो आपका हेड है वही नोड है बेसिकली। प्रिंट लिस्ट, तो प्रिंट लिस्ट तो आपका कुछ भी नहीं लगा, फिर सेल्फ होगा पहला पैरामीटर। इसमें क्या करोगे आप, कंडीशन लगाओगे इफ सेल डॉट हेड अगर आपका नन है, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, कोई भी नोट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, एल्स एक लूप लगाओ, जब तक आपका सेल डॉट हेड नन नहीं हो जाता तब तक। मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर ली थी, एसटीआर क्या लो, ओके ठीक है, मैं इसमें अपेंड करवा के जा रही थी, ऐसे करवाता प्लस से सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि मुझे डेटा प्रिंट करवाना है, सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा मींस नोड, ये आपका सेल्फ डॉट हेड नोड है, नोड में क्या प्रिंट करे, डेटा प्रिंट करे, और फिर कर दे आपका सेल्फ डॉट हेड, अब फिर से इसको अपडेट कर दे, ये क्या हो जाएगा, अब जो है नेक्स्ट वाले का एड्रेस आ जाए, डेटा नहीं नेक्स्ट एड्रेस। अब जब ये सब पर ट्रैवर्स कर ले, जब आपका हेड नन हो जाए तो उसके बाद प्रिंट कर दे, अपेंड क्या कर दे, अच्छा मैंने कहा था ये मैं अपेंड कर, इसके साथ जो है वो आपको लिंक पता चल सके क्या है, एसटीआर लिस्ट, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगी, बाद में खुद से चला कर देख लेना, समझ के देख लेना। करती हूँ ये पहले, एप्पल इसने पहले इंसर्ट किया, पहले सबसे पहले नन था, नन के आगे क्या इंसर्ट किया, एप्पल, फिर एप्पल के आगे क्या इंसर्ट किया, मैंगो, ठीक है। तो मिस ये रिवर्स में क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैं इसके हेड के पहले जो है नन था, ठीक है, मैंने नन का एड्रेस किसको दिया, एप्पल वाले नोट को, फिर जो है मैंने एप्पल वाले नोट को किसका एड्रेस दिया, मैंगो वाले को। मैं अगर इसके एंड पर ऐड करवाऊंगी ना, तो पहले मुझे पूरी लिस्ट पर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर उसमें जाकर ऐड करवाना पड़ेगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबसे सिंपल ऐड करवाने का तरीका यही था, इसलिए ये बताया है। बाकी आपने प्रिंट करवा लिया, अच्छा लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन ये हो गई, इसी में फिर आप मॉडिफिकेशन करके सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, अभी यहाँ पर मैंने एक एड्रेस लिया नेक्स्ट वाले का, अगर आपको डब्ली बनाना हो तो आप एक और पॉइंटर ले लोगे सेल्फ डॉट प्रीवियस का, जिसमें प्रीवियस का एड्रेस आता रहेगा, ठीक है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इसको, सिंगल लिंक लिस्ट। इसके अलावा मैंने कहा कि हमने पढ़ना है स्टैक और क्यू। स्टैक क्या होता है, स्टैक भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो के फॉर्मेटिंग नहीं करी मैं बाद में आता है। स्टैक क्या होता है, आपका एक एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होता है लीफो का, लीफो क्या होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, आप ऐसे समझ लो स्टैक जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक ही साइट खुली हुई है, ठीक है। जैसे कि आप उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी एक स्टिक में कुछ ड्रिंक्स जो डाल रहे होते हो, लेट्स से कि आपका ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक साइट खुली हुई है आपकी, यहाँ पर से ये वाली साइट नहीं है, ये आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें देखो सिर्फ एक एंड खुली हुई है,
ठीक है, और ये कौन सा एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, मींस ये कि जो चीज सबसे आखिर में एंटर हुई है वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। मैंने इसमें डेटा एलिमेंट एंटर किया 1 2 3 4 5, अब जब मैं इसमें से कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहूंगी, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर सकूंगी मैं, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। ये बात समझ आ रही है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट है। जब आप इसमें से एलिमेंट पॉप करोगे तो वो हमेशा जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है आपको वो देगा, और अगर आपको सबसे लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इससे पहले आपको सारे एलिमेंट्स बाहर निकालने पड़ेंगे, एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और अच्छा, इस पाइथन में हम ये डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, बहुत आसान है ये, आप अपनी लिस्ट को यूज करते हुए भी बना सकते हो। मैंने लेट से एक स्टैक की क्लास डिफाइन कर ली, इसके चार ऑपरेशन होते हैं, हम वो भी बनाकर देख लेते हैं। मैंने क्लास डिफाइन कर ली अपनी स्टैक की, इसके इनिशियलाइजेशन में मैं सिर्फ एक लिस्ट इनिशियलाइज कर देती हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ आइटम्स है ना, इसमें डेटा आइटम्स हैं वो के जो कैप्चर कर ले। इसमें आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, लीफो फॉलो करता है ये, इसके ऑपरेशंस होते हैं पुश के, पॉप के, पीक का, एम्प्टी, ये चार ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करके देखेंगे। पुश का मतलब क्या होता है, सिंपल जो आपका अपेंड होता है वही इसका पुश होता है, मींस ये कि स्टैक में वैल्यूज डेटा एलिमेंट इंसर्ट करवाना, ये जो आप करवा रहे हो इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, डेटा एलिमेंट इसके अंदर पुश कर रहे हो, और जब आप एलिमेंट्स निकाल रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, आप पॉप कर रहे हो। ठीक है, और पीक क्या कर रहा होता है, पीक का मतलब ये होता है कि जो सबसे टॉप पे आपका डेटा एलिमेंट पड़ा होगा ये वो रिटर्न करेगा आपको, ये वाला एलिमेंट जब मैं पहले इंडेक्स पे होगा, पहले इंडेक्स पे होगा ना, जो लास्ट इंडेक्स पे होगा, पहले इंडेक्स तो ये है ना, लास्ट इंडेक्स ही है। ठीक है, इसके अलावा इज एम्प्टी जो है वो आपको ये बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, इसे कहते हैं हम, दो तरह की चीजें होती हैं इसमें, एक होता है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो। लेट्स से अगर मैंने डिफाइन किया कि स्टैक का साइज मेरा 5 है, ठीक है, 5 एलिमेंट मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दिए, उसके बाद जब मैं छठा एलिमेंट आपका स्टोर करवाना चाहूंगी तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा, किस चीज का, स्टैक ओवरफ्लो का, कि स्टैक आपका ओवरफ्लो है। और अगर मेरा क्या कहते हैं स्टैक जो है वो एम्प्टी है और उसमें से मैं पीक करना चाहूंगी या पॉप करना चाहूंगी कोई एलिमेंट, तो वो मुझे क्या एरर थ्रो करेगा, अंडरफ्लो का, कि आपका स्टैक अंडरफ्लो है, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है और आप पॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अपने एक स्टैक की क्लास बना ली, स्टैक में आइटम्स, अब मुझे इसमें कौन कौन से फंक्शन चाहिए। मिस पीक क्या करेगा, मिस पीक जो है आपका लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट होगा ना वो दिखाएगा आपको, उसे हम टॉप भी कहते हैं, ये वाला एलिमेंट, जब मैं कहूंगी पीक तो जो सबसे टॉप पर होगा वो दिखाएगा। लेट से मैंने इस वाले एलिमेंट को पॉप कर दिया, अब टॉप पर कौन सा एलिमेंट आ गया, ये वाला, तो जब मैं पीक करूंगी तो वो ये वाला एलिमेंट दिखाएगा। ठीक है, टॉप को ही हम, पीक को ही हम टॉप भी कहते हैं, टॉप एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके इसमें हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, पुश के करते हैं, पुश क्या करे, डेटा क्या करे, ये सर्व डॉट आइटम जो है आपके आइटम्स, इसमें क्या कर दे, अपेंड कर दे इसको डेटा को। दूसरा जो आपका होता है पॉप, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देता है और वो रिटर्न भी करता है, लाइक से मुझे एक्सेस करना है जो मैंने एलिमेंट रिटर्न किया हो क्या है, तो ये क्या करे, सेल डॉट आइटम्स डॉट पॉप। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में भी आपके पॉप का फंक्शन होता है, सेम वही चीज आपके स्टैक में भी हो रही होती है। तीसरा जो है वो पीक है, पीक क्या रिटर्न करे, लास्ट एलिमेंट। ये सबको पता है नेगेटिव इंडेक्स से हम लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, पता है सबको? यस मिस। अगर मैं कहूँ -1 तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो दे दे, अगर मैं कहूँ -2 इसका मतलब है सेकंड लास्ट, अगर कहूँ -3 थर्ड लास्ट। ठीक है,
अच्छा मैं और जो पुश वाला मेथड बनाया है इसमें अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स देने हो तो उसके लिए पुश हम एक ही वैल्यू करवाते हैं हमेशा स्टैक में जनरली एक एक वैल्यू करके पुश करते हैं मल्टीपल नहीं होती वैसे अगर करना हो तो कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं नहीं अब मींस आप यहां पर लिस्ट भेजवा दो और फिर आपको दोबारा यहां पर लूप लगा करके पुश करवाना पड़ेगा मींस एक और फंक्शन डिफाइन करो ठीक है ठीक है ठीक ये सॉल्व ले ले और ये क्या रिटर्न करे आपको सॉल्व डॉट आइटम्स इक्वल टू ये अगर सारे आपका एलिमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है एम्प्टी है तो ये क्या रिटर्न कर दे ट्रू वरना क्या रिटर्न करेगा फॉल्स ठीक है ये हमारा स्टैक डिफाइन हो गया अब मैं कोई स्टैक एस दूसरी दफा आप पुश करवा दो ठीक है अब मैं प्रिंट करवा लेती हूँ प्रिंट करवाने के लिए लूप लगाना पड़ेगा एक काम करते हैं मैं लूप नहीं लगाती सिर्फ जो है वो इसके आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे इसी के मैं आइटम्स ही तो हैं बताएंगे मैंने जो है वो अपना स्टैक प्रिंट करवा लिया है ठीक है सबसे पहले वन पुश किया टू पुश किया एट पुश किया अब जब मैं पॉप करूंगी तो सबसे पहले क्या पॉप होगा एट क्योंकि सबसे लास्ट क्या इंसर्ट हुआ है एट समझ आ रही है बात मैं लेट से यहाँ पर कहती हूँ ये पॉप कर दे stck.pop कौन सा एलिमेंट पॉप होगा लास्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट हुआ है एट इसमें एट पॉप कर दिया अब मैं कहूँ कि मुझे लास्ट एलिमेंट देखना है पीक करना है तो पीक क्या होगा आपका मैं कहूँ स्टैक डॉट पीक पहले मैंने वन ऐड करवाया टू ऐड अपने स्टैक में वन पुश किया सबसे नीचे चला गया टू उसके ऊपर आ गया एट उसके ऊपर आ गया उसके बाद जब मैंने पॉप किया उसने क्या किया एट को निकाल दिया अब मैं कह रही हूँ मुझे दिखाए पीक मुझे पीक करना है टॉप पे क्या है तो टॉप पे अभी क्या आना चाहिए इसने मुझे टू प्रिंट कर दिया ठीक है स्टैक हमारा कहाँ यूज होता है स्टैक हमारा यूज होता है अंडू ऑपरेशंस के लिए जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे होते हो ठीक है कंट्रोल जी करते हो तो जो भी काम आपने किया होता है वो रिवर्स होता जाता है अंडू होता जाता है बेसिकली राइट तो वो क्या होता है जब जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो स्टैक में इंसर्ट होता जाता है पुश होता जाता है और जब कंट्रोल जी आप करते हो तो वो पॉप होता जाता है ठीक है अंडू इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है जहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है आपका आपको किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना हो ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स करवाएं स्टैक के थ्रू वहां पर आपका स्टैक बहुत यूज होता है कैसे लेट्स से मैं कहूँ मैं इसमें एक जो है वो बना लेती हूँ ठीक है एक और मेथड बना लेती हूँ रिवर्स करने का स्ट्रिंग का स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ये क्या करेगा सेल्फ बोलेगा और स्ट्रिंग ले रहा है तो कह देती हूँ डेटा स्ट्रिंग है ठीक है हम क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स को स्टैक में पुश करेंगे लेट्स से कि मैंने कहा मेरी जो स्ट्रिंग है वो हेलो है ठीक है मैं क्या करूंगी स्टैक में पुश कर दी जाऊंगी एच पुश किया ई पुश किया एल पुश किया फिर ओ पुश किया अब क्या होगा जैसे जैसे मैं इन एलिमेंट्स को पॉप करूंगी ओ सबसे ऊपर आ गया एच सबसे नीचे चला गया राइट अब मैं सिंपली अपनी स्ट्रिंग को पॉप कर लूंगी तो मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी जब मैं पॉप करूंगी तो सबसे पहले वो मुझे क्या देगा सॉरी मैं गलत कह रही हूँ सबसे पहले ओ पुश होगा एल पुश होगा ई पुश होगा एच पुश होगा
और जब मैं पॉप करूंगी तो वो पूरी स्ट्रिंग मेरी रिवर्स होकर मेरे पास आ जाएगी. मैं करके लूप लगाती हूँ मैं अपने फॉर आई इन रेंज इस पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे. ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, पुश करवाना है मुझे स्टैक में. सबसे पहले तो एक स्टैक डिफाइन करना पड़ेगा. नहीं, स्टैक डिफाइन करने के लिए सेल डॉट आइटम्स में पुश करवाना है. सेल डॉट आइटम्स डॉट पुश, क्या पुश करता चाहे वो डेटा स्ट्रिंग ऑफ आई. ठीक है, ये सारी इसने पुश कर दिया. अब जब मुझे रिटर्न करवाना है उसके लिए लूप लगवाना पड़ेगा. एक मैं रिवर्स का वो ले लेती हूँ वाई आपका जब तक सेल डॉट इज एम्प्टी नहीं है तब तक चले. इज एम्प्टी जो है वो आपका रिटर्न कर रहा होगा अभी फॉल्स, तो ये लूप नहीं चलेगा. तो मुझे इसका रिवर्स चाहिए. नॉट ही लगता ठीक है. तो ये क्या करे, रिवर्स में आपका अपेंड करते हैं. मिस ऊपर वाले लूप में भी तो कर सकते हैं ये काम, एक ही लूप के अंदर. तो पहले मैं तो पुश करवा रहे हैं ना. अच्छा अच्छा, पहले सारे इंसर्ट करवाएंगे फिर सारे आउट करेंगे. ठीक है, ये क्या करे, सिर्फ कुछ भी नहीं करे, सेल डॉट पॉप कर ले. तो अगर लूप को ही हम उल्टा चला दें तो पुश भी हो जाएगा और वो मतलब रिवर्स में भी हो जाएगा. एक ही लूप में नहीं होगा ये, पहले आप इंसर्ट करोगे उसके बाद मतलब पॉप करोगे ना वैल्यूज. पहले पुश होंगी फिर पॉप होंगी. इसको रिटर्न करेंगे हम किसको, रिवर्स को. ठीक है, ये हमने इसकी एक एप्लीकेशन बना ली जो कि आपके स्ट्रिंग को रिवर्स कर रही होगी. मैंने एक लेट से स्टैक बनाया. स्टैक वन जो है वो मेरा स्टैक टाइप का है. मैंने स्टैक के थ्रू जो है वो मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाया. रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन है, मैंने रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया और इसको ठीक है ये मुझे वर्ड रिटर्न करके दे. लेकिन ये जो रिटर्न कर रहा होगा उसे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि अंदर प्रिंट का सिर्फ नॉट लगा दें आप, नॉट लगा के और ब्रैकेट्स के अंदर सेल्फ डॉट इज एम्प्टी लिख दें. सिर्फ डी प्रिंट कर रहा है, ये इसका मसला है इस कंडीशन का. एक मिनट मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ. जब तक मेरी क्या कहते हैं स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं, मैं यहाँ पर डालती सेल डॉट आइटम्स इक्वल टू. वैसे रिवर्स तो एक ही लूप से हो जाएगा ना, इसको पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कर दिया इसने वर्ल्ड को. एक मिनट मैं सुन रही हूँ दानियाली अगर हो तो. एक मिनट, ये मैंने क्या किया, अच्छा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ये आपके स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है. क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये रिवर्स वाला काम तो एक ही लूप से जाएगा ना, इसमें पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें.
क्योंकि फॉर का लूप हम उल्टा भी चला सकते हैं माइनस वन करके, बिल्कुल चला सकते हैं, फॉर का लूप लगा लें, वाइल का लूप लगा लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात सारी है, आप एलिमेंट पुश करेंगे तो पॉप करेंगे ना, पहले स्टैक में एलिमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे उसके बाद आप निकालेंगे। अच्छा अच्छा सही, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कैपिटल लूप जो है वो भी इसकी एप्लीकेशन होती है, रिकर्जन में हम यूज करते हैं। रिकर्जन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, ये पैरेंथेसिस का बैलेंस, ये कंपाइलर में बहुत यूज होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, आप के क्या कहते हैं पैरेंथेसिस के बैलेंस को चेक करने के लिए। जल्दी जल्दी जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मगर वो ही है। एक और आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक स्टैक, एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका क्यू का। क्यू क्या फॉलो करता है आपका, फीफो फॉलो करता है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, स्टैक जो है वो हमेशा लीफो फॉलो करता है और क्यू जो है वो आपका फीफो फॉलो करता है। आप स्टैक ऐसे जैसे आपने समझा था कि स्टैक का एक एंड खुला हुआ है, दूसरा एंड से एलिमेंट ना इंसर्ट हो सकता है ना आउट हो सकता है, तो इसी तरीके से फीफो क्यू आप ऐसे समझ लें, क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं और इसमें क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले एंटर हुई है वही पहले बाहर भी जाएगी, आउट भी एग्जिट भी पहले वही चीज होगी। ठीक है, स्टैक में क्या होता था, जो चीज पहले ऐड हुई है वो सबसे लास्ट में निकलती थी, यहाँ पर क्यू में जो चीज सबसे पहले एंटर हुई है वही सबसे पहले आउट भी होगी। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपके दोनों एंड खुले हुए हैं। ठीक है, अच्छा जो सबसे आपका पहला एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रंट, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं रियर। ये सारे आपके क्यूज हैं, ये देखो इसमें जैसे दोनों एंड खुले हैं आपके, रियर में आपका सबसे पहले वाला आएगा और फ्रंट, रियर में सबसे लास्ट वाला आता है, फ्रंट में सबसे पहले वाला आता है। अच्छा इसके जो ऑपरेशंस होते हैं हमसे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं इन क्यू बी क्यू और रियर फ्रंट, और इसमें भी एग्जाम भी होता है आपको। ठीक है, स्टैक किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं जस्ट लाइक स्टैक। मिस तो ये नॉर्मल लिस्ट का फंक्शन नहीं हो जाएगा, ये इसकी स्पेशलिटी है ना, ये जो एल्गोरिथम्स फॉलो करते हैं नॉर्मल लिस्ट के ऑपरेशन नहीं। नॉर्मल लिस्ट में तो आप कहीं पर भी अपेंड कर सकते हो, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। स्टैक अगर आपका है तो उसमें जो लास्ट एलिमेंट आपने जो पहला एलिमेंट ऐड किया है वो हमेशा लास्ट में ही होगा, मींस ये अपेंड कर रहे हो अपने उसको। ये डेटा स्ट्रक्चर्स इस तरीके के यूज होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में, जैसे मैंने कहा अंडू आपने करना है, आपके सारे ऑपरेशन जो है वो स्टैक में पुश होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे जब अंडू मैं करती हूँ कंट्रोल जी करती हूँ तो वो क्या करता है, जो सबसे लास्ट में जो आपने काम किया होता है, जो रीसेंट काम होता है आपका, सबसे पहले वो अंडू होता है, राइट, मींस सबसे पहले वो चीज ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद आप कंट्रोल जी करते और क्यू, क्यू की एप्लीकेशंस जो है वो क्यू आपके टास्क स्केड्यूलिंग में यूज होता है, इसके अलावा जो आपके कॉल सेंटर्स में जब आप कॉल करते हो, जो आप होल्ड करवाते हैं आपको, वो तो मींस ये कंफर्ट जहां पर होता है वहां पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। सही, ठीक है, अभी क्यू इंप्लीमेंट, क्यू की इंप्लीमेंटेशन देख लो, आईडिया गई। यहाँ पे क्यू है जस्ट लाइक स्टैक है, इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि पुश की जगह इनक्यू हो गया है, पॉप की जगह डी क्यू हो गया है, और पॉप कौन सा एलिमेंट करे पहले वाला, जब आप डी क्यू करोगे उसमें से सबसे पहले निकालोगे तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, सबसे पहला वाला, तो सबसे पहला इंडेक्स मैंने दे दिया, पहला इंडेक्स क्या होगा हमेशा जीरो होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट पॉप होता था, जो सबसे लास्ट में, राइट, डी क्यू में क्या होता है सबसे पहले वाला एलिमेंट पॉप होता है, उसमें 8 पॉप हो रहा था ना, इसमें जब मैं डी क्यू करूंगी तो क्या पॉप होगा 1 पॉप होता, 1 टू 8 अगर मैंने दिया है उसमें 8 पॉप हो रहा था, इसमें क्या होगा 1, 2 और 8 रह जाएगा, इसमें पीक नहीं होता, इसमें टॉप होता है, टॉप भी नहीं होता बल्कि फ्रंट होता है, ये नहीं होता। फ्रंट आपको क्या रिटर्न करता है एलिमेंट टू लेटेस्ट एलिमेंट, और रेयर क्या रिटर्न करता है जो आपका सबसे पहला एलिमेंट हो। ठीक है, और साइज जो है ये आपका काउंट बता रहा है सिंपल कि आपकी क्यू का साइज क्या है। मैंने एक फ्रंट माइनस वन से कॉल होगा, एग्जैक्टली सर, टर्मिनोलॉजी चेंज है वही चीज, जो इसके सबसे टॉप पर होगा वो इसका फ्रंट है और जो सबसे लास्ट में है वो इसका रेयर है,
व्यू, ये वही चीज है। यहाँ पर मैंने क्यू बनाया, क्यू में अपने कुछ वैल्यूज इन क्यू करवाई, इसमें क्यू में आप क्या करते हो, इन क्यू डी क्यू, इन क्यू करवाया 1, 10 और 100। अब अगर मैं इसे डी क्यू करने कहूँ, बताओ मुझे ये क्या डी क्यू करेगा, बताओ कोई डी क्यू कौन सी वैल्यू होगी, 100 होगी, 1 होगी, गलत, हाँ 1 होगी, एक मैं, अच्छा जब मैंने डी क्यू कर दिया 1 आपका डी क्यू हो गया, अब क्या बस गया आपके पास 10 और 100, तो फ्रंट क्या होगा, रेयर क्या होगा, पहले बताओ फ्रंट क्या होगा, फ्रंट 100 होगा, फ्रंट 10 होगा, फ्रंट आपका सबसे पहले देख रहा था फ्रंट 100 है और रेयर क्या है आपका 10 है, अच्छा आपका क्यू हो गया, ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए इसमें। अच्छा आपके स्टैक की एक और एप्लीकेशन होती है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स, आप के कुछ मैं इसका आइडिया दे देती हूँ, होता क्या है स्टैक में, क्या होता है आपका कुछ आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जब हमारे मेरे लेट्स से मैं कहती हूँ 7+8 ये एक एक्सप्रेशन है, मैं कहती हूँ a प्लस टू ये भी एक एक्सप्रेशन है, राइट अगर मैं कहती हूँ a प्लस बी ये भी एक्सप्रेशन है, मैं कहती हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है सिंपली, जो कि कुछ वैल्यूज पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑपरेंड्स पर। तो ये जो मेरे पास नोटेशन है इसे हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है वो बिटवीन ऑपरेंड्स है, इन इन है, ठीक है इन बिटवीन ऑपरेंड्स है आपका ऑपरेटर, इसलिए इनफिक्स नोटेशन कहलाती है। आपकी प्रीफिक्स नोटेशन क्या होती है, मैं अगर कहूं ए बी, इसमें आपका ऑपरेटर पहले आता है, ऐसे देख लो इनफिक्स में क्या होता है, इनफिक्स में आपका ऑपरेंड ऑपरेटर और फिर ऑपरेंड, ठीक है प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफ एज द नेम सजेस्ट, प्रीफिक्स में सबसे पहले ऑपरेटर आ जाएगा, प्री है ऑपरेटर, फिर आपका ऑपरेंड और फिर आपका ऑपरेंड, ठीक है पोस्टफिक्स में क्या है, पोस्टफिक्स में पहले आपका ऑपरेंड फिर आपका ऑपरेंड और फिर आपका ऑपरेटर, ये आपकी नोटेशंस है एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब जब मैं लिखती हूँ, अगर मैं लिखूं ए बी प्लस, ये क्या है बताओ कोई, पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, अगर मैं कहूँ स्टेरिक ए बी, ये क्या है प्रीफिक्स, इनफिक्स, ये प्रीफिक्स है बेटा, इनफिक्स नहीं है, इनफिक्स आपका जब ऑपरेटर के लिहाज से हम ये कह रहे हैं इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, वो ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब हमारे पढ़ने के लिए आसानी हमें ये रहती है, जब एक्सप्रेशन हमें वैल्यूएट कर रहे होते हैं तो हमारी आसानी के लिए क्या होता है कि हम इनफिक्स नोटेशन इजिली रीड कर लेते हैं, लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है उसके लिए इसको एवेल्युएट करना आसान नहीं होता, बल्कि वो इनफिक्स सॉरी वो प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को कंप्यूटर इजिली एवेल्युएट करता है कम टाइम में। मीन्स ये कि जब इस तरीके की कोई एक्सप्रेशन उसके पास जाता है उसे पता होता है मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है आगे जो मेरे दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो स्टैक के थ्रू हम अपनी इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे, इसका पूरा एक रूल होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन का। अभी जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, लेट्स से मैं कहूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइड बाय y और y का स्क्वायर। अब लेट्स से ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसमें क्या है, अब ये इवेल्युएट किस तरीके से होगा, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, अगर मैं इवेल्युएशन करने जाऊं, मैं वैल्यूज ले लेती हूँ, ठीक है y 2 ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, ये ज्यादा ही हो गया, 3 ले लेती हूँ, फिलहाल हम इतना ही रखना है,
अगर मैं इसको evaluate करने जाऊँ इसके कितने तरीके होंगे, मैं ऐसा अगर evaluate करती हूँ 2 + 4 क्या हो गया 6 multiplied by 3 12 divided by 6 तो इसका एक आंसर आ रहा है 2 राइट अगर मैं इसको इस तरीके से evaluate करूँ कि पहले मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूँ और फिर evaluation करूँ मीन्स ये कि 4 3 जा 12 12 को 6 से डिवाइड कर दूँ 2 और 2 प्लस 2 4 एक आंसर मेरा हो सकता है 4 राइट फिर दूसरा मैं ये कर लूँ कि पहले डिवीजन कर लूँ 6 और 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कुछ पॉइंट में आएगा 0.5 और 0.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा शायद और इसका भी आउटपुट इत्तेफाक से 4 आ रहा है वरना कुछ और भी हो सकता है तो इनमें से कौन से आंसर सही है इसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बोडमास रूल प्रेसिडेंस डिफाइन होती है हर ऑपरेटर की पढ़ा है कंप्यूटर जिस तरीके से एक्सप्रेशंस को एवैल्यूएट करता है वो प्रेसिडेंस के थ्रू करता है तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कन्वर्जन में भी हम प्रेसिडेंस फॉलो कर रहे होते हैं प्रेसिडेंस क्या होती है जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस बेसिकली प्रायोरिटी होती है जो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है हायर प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा आपकी किसकी होती है ब्रैकेट की होती है एनी टाइप ऑफ ब्रैकेट ठीक है इसकी प्रेसिडेंस अगर मैं कहूँ लेट से 1 है या मैं हाईएस्ट कर लेती हूँ इसकी लेट से मैं कहती हूँ 5 है जो उसके बाद आपकी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल की होती है लेट से मैंने कह दिया इसकी प्रेसिडेंस 4 है उसके बाद मैं कह दूं कि जो आपकी डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है लेट्स से 3 है ये बात समझ आती है इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है सेम होती है ठीक है सबसे शायद लीस्ट प्रेसिडेंस आपकी इसकी होती है तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस है इसके अलावा एक एसोसिएटिविटी रूल भी होता है जो कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट इसकी तो हाई है तो ये कुछ भी हो ये जो आपका ये जो होता है आपका ये राइट टू लेफ्ट होता है ठीक है ये आपका लेफ्ट टू राइट होता है और ये भी आपका लेफ्ट टू राइट होता है इसका मतलब क्या है जब मैं कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने जा रही हूँ अभी जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन लिखा था कोई एक्सप्रेशन है उसमें सेम लेवल पे जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7 अब जब मैं ये वैल्यूएट करने जाती हूँ मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस हाई होती है तो सबसे पहले जो है मुझे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना है लेकिन या इस एक्सप्रेशन में मेरे मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करूँ या डिवीजन परफॉर्म करूँ तो इसके लिए क्या करते हैं हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट हाई प्रेसिडेंस होती है लेफ्ट मेरा ये है राइट मेरा ये है मैं यहाँ से जाऊंगी जो चीज पहले आएगी उसको पहले वैल्यूएट करूंगी अगर पहले डिवीजन आता तो पहले डिवीजन वैल्यूएट करती अभी मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लीकेशन वैल्यूएट करूंगी राइट ये बात समझ आती है इसी तरीके से अब मैं लेट से कहूँ कि इसके ऊपर जो है वो पावर है 8 और इसके ऊपर पावर है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई सबसे पहले मींस मुझे एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें सबसे पहले इवेल्युएट करना है ठीक है अब मुझे पता है कि मुझे पहले इसे इवेल्युएट करना है या इसे इवेल्युएट करना है लेकिन अब ये दोनों सेम लेवल पर है अब ये भी मेरे पास इस एक्सप्रेशन में 2 दफा है तो इसमें क्या होगा मैं पहले कौन सा वाला इवेल्युएट करूँ मैं इसकी एसोसिएटिविटी से चेक करूंगी तो ये क्या राइट टू लेफ्ट तो पहले कौन सा होगा ये सबसे पहले मैं इसे इवेल्युएट करूंगी उसके बाद मैं इसे इवेल्युएट करूंगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इसको इससे डिवाइड करूंगी और सबसे लास्ट में क्या होगा सम होगा ठीक है समझ आया हम एक्सप्रेशन कैसे इवेल्युएट करते हैं yes, miss. ठीक है अब इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपके रूल्स क्या होते हैं सबसे पहले आप अपने एक एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हो आप ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है राइट हर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के बीच है मैं इसको अपने पोस्टफिक्स नोटेशन में चेंज करना चाह रही हूँ जिसको हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं और इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं
इसमें क्या होता है, सबसे पहले evaluate जब मैं करने जा रही हूँ तो आपके पास जो भी operand आएगा, let's say जो भी operand आएगा वो सीधे कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में. आउटपुट का आप एक कोई लिस्ट डिफाइन कर लो या कुछ भी डिफाइन कर लो. अगर मेरे पास टू आया है, इसको मैं क्या करूंगी, आउटपुट में डलवा दूंगी. लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर आया है, ठीक है, मैं चेक करूंगी जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, अगर से वो ऑपरेटर है तो वो क्या करे, उसे स्टैक में पुश करता है, ऑपरेटर को स्टैक में डाल दें. लेकिन इसको स्टैक में डाल, फर्स्ट करो मेरे पास आया मल्टीप्लिकेशन, मैंने स्टैक में डाल दिया. मिस क्यों में नहीं डालेंगे? नहीं, क्यों नहीं, स्टैक की है ये, क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है ना. क्यों मैं डालूंगी, क्यों तो दोनों एंड से एक्सेसिबल है, मुझे एक एंड वाला चाहिए. इसको जो है मैंने स्टैक में एंटर करवा दिया. अब इसके बाद जो है मेरे पास जो दूसरा ऑपरेंड आया वो क्या आया, 5 आया. ये सीधे कहाँ चला गया, आउटपुट में चला गया. उसके बाद मेरे पास जो आ रहा है वो आपका ऑपरेटर जो आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, मींस ये के पावर वाला है. इसकी जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन से हाई है. इसमें जो आपके पास पड़ा हुआ है स्टैक में जो भी वैल्यू है वो स्टेरिक है, स्टेरिक की प्रेसिडेंस कम है, इसकी ज्यादा है. अगर से ये ग्रेटर है तो वो पहले जो है वो इसको जो है क्या कहते हैं, जो आपका ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसे पॉप करके कहाँ अपेंड कर दे, आउटपुट में. ठीक है, मींस ये स्टैक में हमेशा ऊपर वो चीज नीचे वो चीज होगी जिसकी प्रेसिडेंस हाई है. ठीक है, अगर से आपके क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो वो क्या करे, अगर इसकी प्रेसिडेंस लो होती, लेट्स से इसकी जगह प्लस होता, तो ये भी सिंपली आपके स्टैक में पुश हो जाता. लेकिन इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो वो क्या करे, आपके इसको क्या कहते हैं स्टेरिक को पॉप कर दे, और फिर ये पॉप करके आउटपुट में चला जाएगा. मीन्स ये कि ये कुछ यूं हो जाएगा 2-5 और इसके बाद स्टेरिक आ जाएगा, और ये वाली चीज जो आपकी पावर वाला साइन है ये आपका स्टैक में पुश हो जाएगा. फिर आपका ऑपरेंड आएगा वो इसमें पुश हो जाएगा. इसी तरीके से आपकी पूरी एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगी. ठीक है, ये हम स्टैक के थ्रू कर रहे होते हैं. इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स मिस एक तरह की स्टैक की एप्लीकेशन है, जैसे आपने अंडू का बताया था. बिल्कुल. ये इसका एल्गोरिथम है. एल्गोरिथम में इसके डिफाइन है, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में हम इसे स्कैन करेंगे. अगर स्कैन कैरेक्टर आपका ऑपरेंड है तो वो सिंपली आउटपुट आ जाएगा. लेकिन अगर प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक, मीन्स जो आपका स्टैक में ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो कम है, और जो ऑपरेटर आपका अभी आया है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो आप सारे ऑपरेटर्स को पॉप कर दो स्टैक में से और फिर इसे पुश करो. ठीक है, ये पूरा पाइथन पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है. ये मैं आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं अभी बाकी है ये काफी आज के लिए. अभी हमने बाकी तो है, खैर वैसे अभी हमने स्टैक की एप्लीकेशन पढ़ी है. क्यों मैंने बता दिया आपको क्या है, क्यों हम इम्प्लीमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. लेकिन अभी हमारे पास ट्रीज रहती हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. चलें इनफिक्स को पोस्टफिक्स आप देख लें, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं. उसके बाद आपके सिर्फ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो है, जो बाइनरी है, ट्रीज है बेसिकली, ट्री क्या होती है, उसमें एक आपकी ट्री की एक टाइप होती है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री वो क्या होती है, उसमें किस तरीके से नोड्स होते हैं, रूट्स होती हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे. जी मिस, आपने क्यू नोटपैड में आपने क्यू का एक फंक्शन लिखा था, इज वो बता दें, इसका एक फंक्शन है कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके क्यू एम्प्टी है या नहीं. सही, ठीक. ठीक है मिस, मैं ये नोटपैड की फाइल शेयर करवा दूंगी. अच्छा, जैसे हमने रिवर्स स्ट्रिंग की एक एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है,
एक फंक्शन ऐड करवाया था अपने स्टैक में, ये सिंपल वही कोड है जो आपके स्टैक में होता है, किसी भी स्टैक में जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ एक दो अपने एट्रीब्यूट और ऐड करवाए, एक प्रेसिडेंस का, मैंने हर ऑपरेटर के साथ उसकी प्रेसिडेंस बता दी है, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस 1 है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की प्रेसिडेंस 2 है, और जो मेरा पावर एक्सपोनेंशियल का जो साइन है उसकी प्रेसिडेंस 3 है। मींस ये कि इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, उसके बाद इन दोनों की है, और इसकी उसके बाद इनकी है, ठीक है। और मैंने एक और एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया अपने आउटपुट का। अब क्या किया, एक हमने, अच्छा ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, इज अल्फा अगर होगा तो वो आपको बता देगा कि वो अगर आपका कैरेक्टर इज अल्फा का फंक्शन आप लगाओगे ऑपरेंड होगा तो ये ट्रू होगा, और ऑपरेंड नहीं होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें क्या किया, हमने स्टैक में अपने एक मेथड बना लिया है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का। ये क्या लेगा, आपका एक्सप्रेशन लेगा इनपुट पे, मतलब पैरामीटर पे। अब मैंने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन पे एक लूप चलाया, लूप चलाया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करें, अगर आपका जो कैरेक्टर आ रहा है जो भी एक्सप्रेशन में वन बाय वन ये इवेल्युएट कर रहा है, क्योंकि लूप लगाया हुआ है फॉर आई एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में अगर आपका आई जो है वो ऑपरेंड है तो क्या करें, आउटपुट में अपेंड कर दे, ठीक है। अगरचे नहीं है, एल्स अगरचे नहीं है, आपका स्टैक एम्प्टी भी ना हो और आपका जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर नहीं है, अगरचे ग्रेटर नहीं है तो क्या करे, आउटपुट पे अपेंड कर दे सेल्फ डॉट पॉप, मींस आपके स्टैक में जो पड़ा हुआ है उसको पॉप कर दे, वरना इस ऑपरेटर को वो पुश कर दे आपके स्टैक में। बस ये एक सिंपल सा रूल लगाया है यहाँ पर। उसके बाद क्या किया हमने, ये आपने पुश करवा लिया जब आपका ये सारा चल गया, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आउटपुट पे प्रिंट करवाया है, मींस ये कि अब आपके आउटपुट में स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स रह गए हैं उसको आउटपुट पे अपेंड कर दे, और ये आपके आउटपुट, ये क्योंकि आपकी लिस्ट है इसको वो एक्सप्रेशन बना दे, ज्वाइन कर दे इन सबको। ये रिवर्स रंग का ये तो छोड़ दें, ये मैंने एक्सप्रेशन एक अपने इनपुट पर लिया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी एक्सप्रेशन है, आपने अपना एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का फंक्शन कॉल किया, इसको एक्सप्रेशन दिया, और जब आपने कन्वर्ट किया इसे प्रिंट करें तो आपने आपकी उस एक्सप्रेशन को इसने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसमें आपके ऑपरेटर जो है वो आपके ऑपरेंड्स के बाद है। ये नॉट ग्रेटर के फंक्शन में क्या चेक किया हमने, प्रेसिडेंस चेक किया, ये आपका जो ऑपरेटर आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस, मींस ये कि सेल्फ डॉट प्रेसिडेंस ऑफ आई, लेट्स से यहाँ पर आई में आया है प्लस, यहाँ पर ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक करेगा प्लस की प्रेसिडेंस क्या है, 1, तो ए में क्या आ जाएगा, 1। अगर इसकी जगह आता आपका एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल की प्रेसिडेंस क्या है, 3, तो ए में क्या आ जाएगा, 3। और जो आपका बी है, बी में मैंने क्या किया, स्टैक के जो सबसे पीक की है, पीक में आपको पता है वो कौन सा एलिमेंट देता है, जो सबसे टॉप पर होता है, जो सबसे टॉप पे आपका एलिमेंट है उसकी प्रेसिडेंस क्या है। लेट से मेरे पास जो अंदर स्टैक में जो अभी ऑपरेटर पुश हुआ हुआ था वो प्लस है, ठीक है, और अभी जो ऑपरेटर मैं पुश करवाना चाह रही हूँ वो स्टैक है, वो चेक करेगा कि जो स्टैक में ऑपरेटर पड़ा हुआ है टॉप पे उसकी प्रेसिडेंस क्या है, प्लस की प्रेसिडेंस वो देखेगा क्या है, 1 है। अगर ए आपका लेस देन इक्वल टू बी है, मींस ये कि इस वाले की प्रेसिडेंस जो है वो कम है इसकी ज्यादा है, तो ये कर के लिए बहुत ज्यादा हो गया, मिस ज्यादा हो गया। अच्छा जो चीजें मैंने आज पढ़ाई है मैं ये फाइल शेयर कर दूंगी, आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो नोट करके रखना अपने पास, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी हालांकि हमारे पास ट्री बाकी है, हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला हो अभी भी है तो पूछ लो, बाकी अपने पास नोट करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, मैं अटेंडेंस देख लेती हूँ मैसेजेस से, और क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग।
अल्लाह हाफिज़ टीचर मिस जी मिस ये कोड शेयर कर देंगी आप मैं कोड शेयर कर दूंगी थैंक यू क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी ठीक है लास्ट क्लास के टॉपिक भी शेयर कर दें लास्ट क्लास के टॉपिक जी मिस लास्ट ये पेपर में है एग्जाम्स में आएंगे बिल्कुल आएंगे ठीक है क्लास अल ऑफिस मिसाब ये एग्जाम में कैसे देंगी मैं शेयर करवा लूंगी वो आप लोगों से एग्जाम से पहले किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एक दफा डिस्कस कर लेंगे हम पेपर पैटर्न ओके मिस थैंक यू